रामपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्राइवेट बसों की बाहर करने के बाद ऑटो ई रिक्शा की धमा चौकड़ी पर यातायात पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को शास्त्री चौक व धर्मशाला पर अभियान चलाकर चेकिंग की गई। इस दौरान देहात के परमिट वाले ऑटो भी शहर में चलते मिले, तो वहीं चौराहों पर ई रिक्शा वालों की मनमानी भी सामने आई। यातायात पुलिस ने 87 ऑटो और 12 ई रिक्शा वालों का चालान काटा। आपको बता दें कि SP ट्रैफिक श्याम देव बिंद खुद सड़कों पर उतरे और अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस ने अलग अलग चौराहों पर जाँच की तो पता चला कि गोरखपुर में सहजनवा, चोरी चौरा जैसे कई देहात इलाकों के ऑटो भी फर्राटे भर रहे हैं। ऑटो वाले चौराहों पर ही सवारी भी भरते मिलते हैं। SP ट्रैफिक ने ऑटो चालकों को रोका और जांच कर सभी पर कार्रवाई की चेतावनी दी कि अगर दोबारा गलती मिली तो ऑटो सीज किया जाएगा। बाहर के परमिट वालों को बताया गया कि वो किसी भी हाल में अपनी सीमा के बाहर शहर में एंट्री नहीं करेंगे। वहीं कई ऐसे ऑटो चालक भी मिले जिनके पास लाइसेंस तक नहीं था, जो आम लोगों के लिए खतरा भी है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान TI मनोज राय, TI धर्मेंद्र सिंह व TI अजीत कुमार पांडे सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यही है छोटे बच्चे जिनको आपको कह रहे थे कि आम जनता कहती है कि छोटे बच्चे चला रहे हैं, चलाएंगे सीज करिए। किनारे हो जाइए, किनारे रुक, बिना डीजल कहे देखिए, बनने के लिए कह रहे हैं भाई, बिना डीजल के आप क्यों चला रहे हो? इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, अभियान आज शास्त्री चौक और धर्मशाला पर ये चलाया गया है। ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा की चेकिंग का अभियान था, जिसमें बेसिकली जो चेक किया जा रहा है कि जिनका परमिट शहर का नहीं है, देहात का परमिट है और शहर में चला रहे हैं, या जिनके पास DL नहीं है या अन्य वैध कागजात नहीं है, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया है और ये अभियान आगे भविष्य में भी चलता रहेगा। कितने लोगों का कार्रवाई की गई है? लगभग 100 की संख्या में, एग्जैक्ट तो अभी काउंट नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 100 ऑटो वाई रिक्शा जो नियमानुसार नियम विरुद्ध पाए गए हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। देखिए, नाबालिग तो हम नहीं कह सकते कि नाबालिग है या नहीं, क्योंकि उनके पास जब तक कोई जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं रहेगा, क्योंकि बिना DL के कई लोग पाए गए हैं, तो बिना DL के पाए गए हैं, उन ऑटो रिक्शा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।